नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई यूएई ने भैया आपको पता है 7 अगस्त से सब कुछ ओपन हो चुका है। तो सरकार ने पहले 30 कंट्रीज़ के लिए फ्लाइटें स्टार्ट की थी यूएई सरकार ने, लेकिन अभी बड़ा फैसला लेते हैं 10 अगस्त को। बता दूं कि अगस्त से लेके अगले महीने तक सितंबर तक, जी हाँ, 70 नई कंट्रीज़ में फ़्लाइटें स्टार्ट की जाती हैं। भाई 70 कंट्रीज़ कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें इंडिया का भी शामिल है, बाकी नॉर्मल कंट्री हैं, मैं पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई बता दूं, यूएई सरकार ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ्लाइट स्टार्ट करने वाली यूएई सरकार है। देखिए, कोई भी कंट्रीज में आप चले जाओ, इतनी ज़्यादा फ्लाइटें इतनी कंट्रीज़ के लिए स्टार्ट नहीं किया। हालांकि नॉर्मली फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लाइटें स्टार्ट नहीं की हैं। 17 जी हाँ साथियों कंट्रीज़ के लिए फ्लाइटें स्टार्ट कर चुका है। इंडिया के लिए भी वीज़ा, सभी प्रकार के वीज़ा, जो भी आपके पास वीज़ा है, वैलिड वीज़ा, वैलिडिटी वाला है, जिसके वीज़ा में टाइम पड़ा है, तो भैया आप भी दुबई जा सकते हैं। 70 कंट्री कौन कौन सी हैं, मात्र 2 मिनट में बता दूंगा, स्क्रीन पे आप देखते रहिए ताकि आपको भी पता लगे भाई इन इन कंट्रियों में फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई मनामा। जी हाँ साथियों, फिलीपींस इसको बोल सकते हैं, फिलीपींस है, बहरीन है, यूके, जी हाँ यूके है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लिए भी है, नीदरलैंड है, डेनमार्क, डबलिन, आयरलैंड, जी हाँ, न्यूयॉर्क, यूएस, दक्षिणी कोरिया, कुआलालंपुर, मलेशिया, सिंगापुर, जकार्ता, इंडोनेशिया, ताइपो, ताइवान, हांगकांग, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया, कराची पाकिस्तान, पाकिस्तान लाहौर, इस्लामाबाद पाकिस्तान, लंदन यूके, जी हाँ, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, जी हाँ, इटली, स्पेन, शिकागो, अमेरिका, टोरंटो, कनाडा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, मलिना, फिलीपींस, कुवैत सिटी, लिस्बन, पुर्तगाल, काहिरा, मिस्र, चीन, जी हाँ 8 अगस्त से, चीन में 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, अदीब अबाबा इथोपिया, क्लार्क फिलीपींस, आज तंजानिया, नोरोबी केनिया, चेक गणराज्य प्राग, सियो पाउल ब्राज़ील, स्टॉकहोम स्वीडन, जी हाँ, सेशेल्स, त्रिवेंद्रम केरल भारत, चेन्नई तमिलनाडु, कोची भारत केरला, बम्बई भारत, नई दिल्ली भारत, बम्बई भारत, कोची केरल भारत, बेंगलुरु कर्नाटक भारत, हैदराबाद तेलंगाना भारत, जी हाँ। आगे बात करें तो भाई अमेरिका न्यूयॉर्क, लागोस, दक्षिणी अफ्रीका 1 सितंबर 2020 से फ्लाइट स्टार्ट होगी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया यूएस, न्यूयॉर्क यूएस, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएस, तेहरान इराक, काबुल अफगानिस्तान, ढाका बांग्लादेश, बैंकॉक थाईलैंड 1 सितंबर 2020 से, बगदाद इराक 8 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुकी हैं, बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएस, अम्मान जॉर्डन, एथेंस ग्रीस, लानार्का साइप्रस, कैसाब्लांक मोरक्को, रोम इटली, मैनचेस्टर यूके, ओस्लो नॉर्वे, मास्को रूस, लागोस नाइजीरिया, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका। जी हाँ साथियों, तो भैया ये 70 फ्लाइटों के मैंने कंट्रीज़ के लगभग नाम बताए हैं बड़े बड़े शहरों के, तो आप देख सकते हैं ये फ़्लाइटें यहाँ आने वाली हैं। अब आप कौन सी फ़्लाइट के द्वारा कहाँ जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बातें है कि इन सिटीज़ में अगर ये फ़्लाइटें जा रही हैं तो वहाँ से आएंगी भी दुबई में, तो इतनी ज़्यादा फ़्लाइटें आने जाने वाला पहला कंट्री दुबई यूएई है। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।